हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल है आपका। दोस्तों, इस तरीके की रेड इफेक्ट को आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, वो भी एलाइट मोशन ऐप से। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने फोन में इस एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, ओपन होते ही आपको यहाँ पर से इस प्लस के बटन पर क्लिक कर देना है और ऊपर में जो साइज वाला ऑप्शन है तो इसमें से आप किसी भी साइज को सेलेक्ट कर सकते हो और नीचे आपको एक क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो दोस्तों, इस क्रिएट प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से अपनी वीडियो को ऐड कर लेनी है जिस पर आप इफेक्ट अप्लाई करने वाले हो। तो इसके लिए इस प्लस के बटन पर क्लिक कर देना होगा और ऊपर में जो मीडिया वाला ऑप्शन है तो इस पर क्लिक करके अपने किसी भी वीडियो को आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, हमने ये वाली वीडियो सेलेक्ट की है, ये देख सकते हो। अब ये वीडियो नॉर्मल ही है, आपको देखने में भी लग रहा होगा। तो दोस्तों, अभी आपको वीडियो की शुरुआत में चले आना है और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों इस वीडियो के लेयर पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। दोस्तों, वीडियो के लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे में एक इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो दोस्तों, इस इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको इस एड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और अभी आपको नीचे चले जाना है। तो सबसे आखिरी में एक ओदर का ऑप्शन है तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको फर्स्ट वाले इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है जिसका नाम है चैनल रैम्प और ब्रैकेट में HSV। तो दोस्तों, इसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और इस स्टैंडर्ड सेटिंग वाले बटन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस फर्स्ट वाले लाइन में से आपको ए को सेलेक्ट कर लेना है और ए को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर से एक बार बैक कर देना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर से इस एड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अभी आपको दोस्तों इस कलर एंड लाइट वाले ऑप्शन पर चले जाना है और जाने के बाद आपको दोस्तों थोड़ा सा नीचे करना है तो यहाँ एक सेचुनेशन वाइब्रेंस वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस इफेक्ट को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और इस स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों, इस सेचुनेशन वाइब्रेंस को आपको एडजस्ट कर लेना है अच्छे तरीके से। तो ऊपर में जो सेचुनेशन है इसको अराउंड +30% के आसपास रख लेते हैं और दोस्तों इतना रख लेने के बाद आपको स्क्रीन पर एक बार टैप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से आपको इस प्लस के बटन पर एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको इस वाले शेप को सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, शेप जैसे सेलेक्ट होगा उसके बाद इस शेप को जूम कर लेना है अच्छे तरीके से और उसके बाद दोस्तों इस कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से दोस्तों आपको इस पीले वाले कलर को सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, ये कलर जैसे सेलेक्ट होगा उसके बाद आपको यहाँ पर से एक बार बैक कर देना है और यहाँ पर एक आपको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। तो दोस्तों, इस ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अभी थोड़ा सा नीचे करना है तो आपको एक डिफरेंस का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों, इस डिफरेंस के ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ शीर्ष नंबर वाले सब्सक्राइब के ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक बार बैक कर देना है और इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इस एड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आपको यहाँ पर से नीचे कर देना है तो आखिरी में एक ओदर का ऑप्शन है तो इसी वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपको थर्ड नंबर पर मिलेगा कॉपी बैकग्राउंड वाला इफेक्ट। तो दोस्तों, इस इफेक्ट को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और इस स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों सिंपली से आपको यहाँ पर से एक बार बैक कर देना है और अभी दोस्तों इस एड इफेक्ट वाले बटन पर फिर से क्लिक कर देना है। दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर से इस ब्लर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से दोस्तों आपको तीसरे नंबर पर मिलेगा गॉसियन ब्लर। तो दोस्तों, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और इस स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, उसके बाद आपको फिर से इस एड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको इस कलर एंड लाइट वाले ऑप्शन पर चले जाना है। जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस एक्सपोजर गामा वाले इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है, ये यहीं पर है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से इस स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों इस गॉसियन ब्लर को आपको एडजस्ट कर लेना है तो सिंपली से इस पर आपको एक बार टैप कर देना है और इसकी स्ट्रेंथ को आपको बढ़ा लेना है। तो आप अपनी वीडियो के हिसाब से भी बढ़ा सकते हो लेकिन मैं इसको बता देता हूँ, आपको 0.400% के आसपास रख लेना है। अभी दोस्तों इसको 400 रख लेने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पर से एक बार बैक कर देना है और उसके बाद इस एक्सपोजर गामा को एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और ऊपर में जो एक्सपोजर है इसको आपको कम कर लेना है तो इसको -0.42% के आसपास रख लेना है। दोस्तों, आप अपनी वीडियो के हिसाब से भी रख सकते हो। दोस्तों, इतना रख लेने के बाद आपको स्क्रीन पर एक बार टैप कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस प्लस के बटन पर फिर से क्लिक कर देना है और इस वाले शेप को आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, शेप जैसे सेलेक्ट होगा उसके बाद इसको जूम कर लेना है अपने फिट स्क्रीन में पूरे अच्छे तरीके से और अभी दोस्तों यहां से आपको इस कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहां से आपको इस व्हाइट कलर को सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, व्हाइट कलर को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर से एक बार बैक कर देना है और दोस्तों यहां पर से आपको इस ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अभी आपको नीचे कर देना है तो यहां पर एक कॉन्स्ट्रैक्ट का ऑप्शन है तो दोस्तों इसी वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है और फर्स्ट में ओवरले वाला ऑप्शन है तो इस पर क्लिक करते ही आपकी इफेक्ट जो है अप्लाई हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये काफी ज्यादा अच्छा इफेक्ट, हमारा रेड वाला इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों, अब इस इफेक्ट को पूरी वीडियो में अप्लाई करना है तो आपके स्क्रीन में जितने भी लेयर दिख रहा होगा तो दोस्तों इन सभी को आपको बारी बारी से मार्क कर लेना है और उसके बाद आपको वीडियो के सबसे अंत में चले जाना है। वीडियो के सबसे अंत में जाने के बाद आपको इस वाले निशान पर क्लिक कर देना है, इससे आपकी इफेक्ट जो है पूरी वीडियो में अप्लाई हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो और इफेक्ट आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर देना।